झारखंड में ईडी की दबिश पूजा सिंघल से शुरू हुई थी। उसके बाद उसका जांच का दायरा लगातार बढ़ता चला गया, मनी लॉन्ड्रिंग तक ये मामला पहुंचा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वर्तमान में अमित अग्रवाल पर उसके ईडी की दबिश देखने को मिली, और उसके बाद अब सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और उनके पूर्व पीए पवन कुमार पर देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के हमने जब जगन्नाथ महतो से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम लोग सीधे आपको सुनाते हैं। हम पर क्या दबिश है? हैं, हम पर तो कुछ ऐसा है नहीं। जांच होगा, जांच के लिए हम कहाँ भागेंगे? हैं, हम मंत्रालय संभाला, चल गए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आए, हमारा पवन जी उसको हटा दिए, तुरंत हटाया। हमारा है काम, वो भी वो तो है नहीं, एक साल से नहीं है। तो सर कहाँ जा रहा है? प्रूफ करेगा तब ना, आय से अधिक संपत्ति का प्रूफ होगा तब ना, किसी को बोल देने से हो जाएगा? नहीं, प्रूफ करने से होगा, दिखाएगा तब ना, दिखा देगा तो कानून काम करेगा, कानून सम्मत काम होगा। तो आपने यहाँ पर सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब मैंने मंत्रालय संभाला था उसके बाद ही दो साल तक कोरोना के कारण मैं उसके शिकंजे में था कोरोना के, और साथ ही साथ जब मैंने कोरोना से ठीक होकर वापस मंत्रालय संभाला तो उसके बाद मेरे पूर्व पीए पवन कुमार को हटा दिया गया था, और ईडी की जो दबिश है वो मुझ पर नहीं, मेरे पूर्व पीए पवन कुमार पर है। मगर अगर कुछ ऐसी बातें, जो आय से अधिक संपत्ति मामला का बात आ रहा है, अगर कुछ ऐसा होगा तो जनता के बीच रखा जाएगा, और जब तक कुछ नहीं होता तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।